चलिए, तो इस क्वेश्चन 2018 में आया हुआ बेसिकली, कि देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बोल रहा है पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो सबसे पहले आप पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू निकालने के लिए क्या होता है जी, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। याद है पोजिशन पी क्यू निकालने के लिए क्यू के पोजिशन वेक्टर को पी से माइनस करते हैं। क्यू का पोजिशन वेक्टर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i + 5j। माइनस करेंगे किसके साथ, पी के पोजिशन वेक्टर के साथ। पी का क्या दिया हुआ है, i + j + k। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2i - i क्या बचेगा, i। 5j - j क्या बचेगा, +4j। और माइनस के ये आ गया तुम्हारा पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब आर एस वेक्टर निकालेंगे बच्चा। आर एस का वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ आर। तो एस का पोजिशन वेक्टर क्या है बच्चा, एस का पोजिशन वेक्टर है ये। ठीक है, क्या है, i - 6j - k। और माइनस आर का पोजिशन वेक्टर क्या है, ये 3i + 2j - 3k। अब बच्चा इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो i - 3i क्या आएगा, -2i। -6 और -2 यानी -8j, और माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस यानी +2k। अब बच्चे मेरे यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो तो -2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, i + 4j। ये जो -2 है इसको ऐसे रहने दीजिए, ये आर एस वेक्टर है, और ये जो वेक्टर देखिए पी क्यू वेक्टर के बराबर आ गया, पी क्यू वेक्टर। तो जब कोई एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा मल्टीपल के बराबर होता है, लैम्डा मतलब किसी भी कांस्टेंट मल्टीपल के बराबर होता है, देन बाबू मेरा वो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाता है, आर एस पैरेलल टू पी क्यू। ये पैरेलल हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी दो लाइन है और ये दो लाइन अगर ए बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर ये पैरेलल है तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी होता है। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया, डेट मींस वो पैरेलल हो गया। लैम्डा का मतलब हो गया कोई भी कांस्टेंट, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।